हेलो दोस्तों, आपको तो इनके बारे में पता ही होगा दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला। आपको ये भी पता होगा कि दोस्तों ये वैसे इंसान हैं जो 1 रुपये का शेयर, 2 रुपये का शेयर 2,000 रुपये में बेचते हैं। मतलब कि दोस्तों ये जो भी शेयर को ख़रीदते हैं वो करोड़पति बनाने वाला होता। और ऐसा ही शेयर दोस्तों राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में, जिनमें राकेश झुनझुनवाला ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, सबसे ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा रकम लगाया है। अगर किसी में 1 लगाया है तो किसी में 5 लगाया है, किसी में 100 लगाया है तो किसी में 200 लगाया है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जिसमें उन्होंने सीधा 600 करोड़ से भी ज़्यादा लगाया है, और अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो स्टॉक में लगाया है। और जैसे कि मैंने बोला, राकेश झुनझुनवाला किसी भी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो भाई मल्टी बैगर स्टॉक को ही ये ख़रीदते हैं। तो वो स्टॉक आज से 10 साल पहले 100 रुपये का हुआ करता था, 100 रुपये से भी नीचे मिलता था। आज के डेट में दोस्तों 900 रुपीज़ का हाइएस्ट है। और ये मत सोचिएगा कि 900 रुपीज़ भाई कुछ नहीं होता, बोनस प्लस डिविडेंड। जब बोनस दिया जाता है तो स्टॉक का प्राइस हाफ हो जाता है, ठीक है। और जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो भी स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। और अब भी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है दोस्तों वो 600 या 700 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो सोचिए था कितने रुपीज़ का दोस्तों, था वो केवल 100 रुपीज़ का, और आज के डेट में कितना, 700 रुपीज़ का, वो भी बिलो 100 रुपीज़ का था। आज के डेट में वो 700 रुपीज़ में स्टॉक मिल रहा है, और आज के डेट में भी मार्केट गिरने की वजह से भी उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कंपनी मतलब क्या खास है इस कंपनी में जो सब इसके पीछे हैं। और राकेश झुनझुनवाला ने एक बहुत बड़ा क्वांटिटी इसमें लगाया है दोस्तों, मतलब 1 लाख क्वांटिटी उन्होंने ख़रीदा है, और रकम बहुत बड़ी है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल पॉजिटिव है, फिक्स असेट में यहाँ पर देख सकते हैं वो भी अच्छा है, ग्रोथ में देख सकते हैं दोस्तों ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन वो भी सही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही है दोस्तों, यहाँ क्विक रेशियो सही है। मतलब कंपनी में आधा से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको ग्रीन ही दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर डेप कंपनी के ऊपर कर्ज क्या है भाई, 0, 0, 0। अब भी क्या चाहिए, जिस कंपनी पे 1 रुपया का कर्ज भी ना हो उसको कौन हिला सकता है। हाँ, अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो कल आके वो आपसे पूछेगा, तो आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ गलत कदम भी उठा सकते हो, अपने कंपनी का असेट्स बेच सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जिस कंपनी के पास 1 रुपया का कर्ज नहीं है वो कंपनी मतलब टेंशन फ्री है, उसको कुछ नहीं करना है, अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है और पैसा छापना है, बिल्कुल छापने वाला चीज़ है। अगर उसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो भाई हर एक चीज़ में कंपनी पॉजिटिव चलती है, ठीक है। ये जो है ये क्वार्टरली रिजल्ट है भाई, हर एक चीज़ में कंपनी जो है पॉजिटिव चलती है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर हम फाइनल देख लेते हैं दोस्तों तो फाइनली ये कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पर देख सकते हो, नेट प्रॉफिट 52.22% से इंक्रीज़ हुआ, 52.20। एक क्वार्टर में अगर इसका 50% का अगर ग्रोथ आता है तो सोच लीजिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, कंपनी कितना मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये भाई पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा, समझ रहे हो ना, ये पैसे को क्या कर रहा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर रहा, ठीक है। तो सोच लीजिए ऐसा ये कंपनी है। तो कंपनी का नाम भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ भाई, कंपनी का नाम है स्कोर्स, ठीक है। और आप लिख के रख लो भाई, कंपनी का प्राइस ज़रूर बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। अभी देख लो 654 रुपये पर मिल रहा है आपको, ठीक है, 654 रुपये इस पर मिल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा या कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है भाई, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ख़रीदना है तो 1, 2, 3 क्वांटिटी में मत खरीदा करो, कमाना आपको है तो सोचिए, ठीक है, अच्छा से अच्छा, और हाँ प्रॉफिट आपको अच्छा से अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं शेयर हेल्ड बाय राकेश झुनझुनवाला। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हर एक स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो अच्छा से अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे, ठीक है, और मैं बना भी रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ने कॉमेंट किया था और रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाइए, ताकि हम लोगों को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनके पोर्टफोलियो को पूरा इंटरनेट में, अब मनी कंट्रोल के वेबसाइट में, हर एक जहाँ पर देखा और उसके बाद आपके सामने मैंने लाया, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 या 4 रो दिखेंगे आपको, ठीक है। रो मतलब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये है करोड़्स में, करोड़्स में मतलब ये जितने भी यहाँ पर बताया जा रहा दोस्तों, ये जितने भी है ये सब, ठीक है, ये जितने भी है ये सब करोड़्स में है, करोड़्स में है, करोड़्स में, ये ठीक है। अब मान लीजिए ये 308 है तो यह क्या है, 308 करोड़, ये 1 है तो क्या मतलब 1 करोड़ है, ठीक है,
और अच्छा से आपको क्लियर कर दूंगा, पूरा पूरा डिटेल से आपके समझाऊंगा। अगर कोई डाउट है तो बस आप कमेंट कर दो, मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये जो वन लिखा है इसका मतलब 1 करोड़ है, यहाँ पर मान लीजिए 1 लिखा है, ये भी 1 करोड़ है, ये 17 करोड़। तो हम देखेंगे कि ये करोड़ की बात है, ऊपर ये देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कितना परसेंट होल्डिंग वो रहते हैं, और ये है नंबर ऑफ शेयर इन लैक, ठीक है। तो आपने समझ गए सब कुछ, और यहाँ पर कंपनी का नाम आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन से स्टॉक में उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, ठीक है। चेक करना स्टार्ट कीजिए ये रो में, ठीक। तो सबसे ज़्यादा यहाँ 1 करोड़ 300 करोड़ 656, ठीक है। और देख लेते हैं कोई भाई नीचे तो और नहीं है ना जो इससे ज़्यादा ताकतवर है, नहीं कोई भी नहीं। हाँ यहाँ पर है, ये 400 करोड़ है, लेकिन दोस्तों 600 करोड़ ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी थी भाई, वो कंपनी को हम देखेंगे, आपको बताएंगे वो कंपनी, ये देख लीजिए कितने नंबर में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर में है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई थर्ड नंबर में, तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, यह रहा थर्ड। स्कोर्स मैंने बोला था ना, ये देख लीजिए सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने इस कंपनी में लगाया, और देखिए इनका पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने, पूरा पोर्टफोलियो राकेश झुनझुनवाला का पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने है। इन्होंने देखिए 656 करोड़ रुपया सबसे ज़्यादा स्टॉक में लगाया है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि राकेश झुनझुनवाला जो भी स्टॉक खरीदते हैं एज ए मल्टीबैगर, मतलब दोस्तों वो ऐसे स्टॉक खरीदना चाहते हैं जहां स्टॉक का प्राइस बहुत कम हो अभी, और जो फ्यूचर में उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने इस कंपनी के बारे में बताया, स्कॉट्स के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ये कंपनी 50 रुपये के आसपास मिलती थी कभी, ठीक है, वो भी कब दोस्तों, 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले वो कंपनी, यहाँ पर देख सकते हैं 10 साल पहले, ठीक है। ये ईयर्स यहाँ पर को आपको बताया गया, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा सही से, ठीक है, लेकिन ये 10 साल का रिजल्ट है, ठीक है। अगर हाँ नीचे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो 2010 से स्टार्ट हुआ है, या 12 है, 14 है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ज़माने में 50 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक होता था, और ये 1000 रुपीज़ चला गया था, 1000 रुपीज़। तो सोचिए आपका पैसा कितना बार मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, कितना बार मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। आप अगर देख लो 50 रुपीज़ का स्टॉक भाई, 50 रुपीज़ का स्टॉक अगर डबल हो गया, तो यहाँ पर देख लो तो +50 अगर कर दोगे तो 100 हो गया आपको, फिर से अब 100 में आप देख लो, 100 फिर होगा, तो दोस्तों ये आपका पैसा दुगना हो गया, ये 2 गुना हो गया, ठीक है। अभी 100 में अगर और 100 हो गया तो दोस्तों 100 प्लस है, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ऐसे दोस्तों। फिर मान लीजिए 100, मान लीजिए अभी कितना हो गया 200, फिर यहां प्लस हो जाएगा 400 रुपीज़ जब इसका प्राइस चल लगा, तो यहां देख लिए यहां 2 गुना आपका पैसा हुआ था, एक मिनट, आपका पैसा यहां पर 2 गुना हुआ था, यहां पर 4 गुना हुआ, और यहां पर 6 गुना, मतलब मल्टीप्लिकेशन दोस्तों, आपका पैसा बहुत स्पीड से ग्रो होगा, सोच रहे हो ना। तो मैंने जैसे बोला था राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, तो देखिए ऐसे ऐसे स्टॉक पे उनका डिमांड रहता है। देखिए अभी भी अगर मार्केट गिरा तो मार्केट गिरने से पहले ये स्टॉक जो है थोड़ा बहुत गिरा, यहाँ फर्स्ट टाइम गिरा, फिर ये देखिए सेकेंड टाइम गिरा, फिर यहाँ देखिए ये थर्ड टाइम गिरा, और ये फोर्थ टाइम ऊपर जाने वाला, ठीक है। तो मार्केट गिरने से पहले भी ये स्टॉक गिरा हुआ था। अब कुछ लोग यही बोलना चाहते हैं भाई ये कंपनी क्या काम करती है, तो दोस्तों ये जो कंपनी है स्कोर्ट्स, ये मॉडर्न जनरेशन के व्हीकल्स बनाते हैं, मॉडर्न जनरेशन के। अब पूछोगे भाई मॉडर्न जनरेशन में कैसे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कोई, ठीक है, अब इसी को हम फोकस कर लेते हैं भाई, ये क्या है, मिट्टी उठाने वाली है, ठीक है। पहले इससे क्या होता था, आप जाते थे खेतों में और ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, इरिगेशन करते थे हम दोस्तों खेतों में, थोड़ा बहुत हेल्प हुआ करता था, ये नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल था। अब क्या है दोस्तों, यही चीज़ को थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया गया, मतलब जो चीज़ हम यूज़ करते थे, जो नॉर्मली पहले यूज़ करते थे वो तो हम करेंगे, लेकिन अब भी और इसको एडवांस में यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पर देख सकते हो मिट्टी उठाने वाला भी है, और पीछे से पहले हम क्या करते थे, लेबर्स ले जाते थे, ठीक है, अपने कहीं भी छोटे छोटे गाँव से क्या करते थे, लेबर्स जाते थे, 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग, और बोलते थे भाई खेती करो, टाइम एनर्जी मनी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन ये जो दोस्तों मॉडर्न जनरेशन में ऐसे ऐसे व्हीकल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ट्रक आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैन पावर को रिड्यूस कर रहा है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा और स्पीड से ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो न्यू मॉडल आते रहते हैं, आप देख लीजिए आज के ज़माने में इससे काम होता है, ठीक है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा मिट्टी को लोड करना है, या किसी भी बड़े बड़े बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बल्क क्वांटिटी में किसी चीज़ को लोड करना है, तो ऐसे ऐसे जो ट्रक है वो चुटकियों में लोड कर देते हैं। और कुछ मान लीजिए लेबर्स को अगर हम लाएंगे, मैन पावर को, तो बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी मनी और रिस्क
रिस्क भी लेगा, टाइम एनर्जी मनी और रिस्क। लेकिन अगर हम ऐसे चीज़ को लाते हैं दोस्तों तो मैन पावर केवल एक ही लगेगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, मनी बचेगा, रिस्क भी दिक्कत की कोई बात नहीं, कोई अपना हाथ नहीं लगा रहा। तो क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, प्राइस डिक्रीज हो गया और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा दोस्तों, आसमान छू देगा। समझ में आ रहा है, ये होता है बिजनेस का थोड़ा मॉडल, ठीक है। तो ऐसी वो देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई ये स्टॉक हमारे फ्यूचर, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बना सकता है। तो अब देखिए, पहले ये नॉर्मल था, नॉर्मल ट्रक था, अब देखिए ऐसे बड़े बड़े, फिर यहाँ से देख सकते हैं जॉइंट ट्रक भी आने लगे। अब ये देखिए पहले रोड कैसे बनाया जाता था। तो जितने मॉडर्न जनरेशन आएंगे जितना, उतना हम क्या करेंगे, इंसान प्रोडक्टिविटी बनाते रहेंगे। पहले इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट है, घर से बैठे बैठे सब कुछ कर लेता। उसी तरह मॉडर्न जनरेशन में ऐसे ऐसे मशीन आएंगे, ऐसे ऐसे व्हीकल आएंगे, तो ऐसी कंपनी को ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बोल रहा हूँ आपको कि राकेश झुंझुनवाले ने बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा रकम लगाया है ऐसी कंपनी में, कुछ सोच के कि आने वाले दिनों में अगर इसका मॉडर्न जनरेशन की वजह से कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो भाई आप लोगों को भी होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो अगला वीडियो आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।